हे गाइस व्हाट्स अप गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो कैसे हैं आप सब लोग. वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी. वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 28th ऑफ अक्टूबर 2020. तो आज है तारीख 28 अक्टूबर 2020 और अवेयरनेस डे. देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे. और गाइज अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव आईएएस एकेडमी. एज यू कैन सी आप लोगों को चैनल मिल जाएगा. नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाओ क्लिक करो लिंक को और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो. क्योंकि यहां पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ जो द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल आज हमारे न्यूज़पेपर में जो अभी यूएस में और इंडिया के बीच में 2+2 की मीटिंग हुई है उसके बाद जो क्या एग्रीमेंट हुआ है उसका एग्रीमेंट जो है डिटेल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है एक आंसर राइटिंग की फॉर्म में. तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है. तो बढ़ते हैं आगे. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना. आप सब्सक्राइब करके एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो इस चैनल को. ओके तो गाइस जैसा कि हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वैसे हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं. उससे पहले मैं बता दूं कि आज थोड़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस लेट हो चुका है क्योंकि ये हमारा न्यूज़पेपर डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा था. तो मैंने इसको जो है रीजन चेंज किया, जो ये यहाँ पर हम लोग डेली का डिस्कस करते थे डेली, तो मैंने आज इसे चेन्नई का कर रखा है, चेंज करा है तो जाकर ये न्यूज़पेपर डाउनलोड हुआ है. हालांकि यहाँ पे सारी चीज़ें सेम हैं, बस खाली कुछ रीजनल न्यूज़ होती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल्स वगैरह बिल्कुल सेम रहते हैं. ओके तो इसका डिस्कशन करेंगे. उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं. सबसे पहला मैं जो है आज मैं दोनों क्वेश्चन जो है लेने वाला हूँ वो मैप क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है जैसे मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर तो दे देते हैं लेकिन जब मैप वाले क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके सबसे कम आंसर आते हैं. तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों क्वेश्चन ही मैप रिलेटेड पूछूंगा. तो आप लोगों को सबसे पहले चिली बताना है, चिली कहाँ पर है. ठीक है, चिली कहाँ पर है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. क्योंकि अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ बता दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने जाकर मैप में देखा है चिली. ओके मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं. ओके उसके बाद दूसरा आप म्यांमार जाकर देखना, म्यांमार को देखना और म्यांमार के आसपास वाली कंट्रीज जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं नीचे कमेंट सेक्शन बताना. दोनों आज मैंने मैप बेस्ड क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से बता देते हैं सभी लोग लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम लोग आंसर देते हैं उसका. ठीक है तो आज का क्वेश्चन आपके लिए दोनों तैयार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना. और जो है आज आप लोग सपोर्ट करना ज़रूर क्योंकि आज जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस लेट हो चुका है. तो आज का हमारा लाइक का टारगेट है 350+ का, तो 350+ का टारगेट है लाइक का, तो इसे आप लोग मिलकर ही इसे कर सकते हो. और ऐसे ही आप लोगों ने हमेशा से ही सपोर्ट दिखाया है तो आज भी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. और पेज नंबर 1 पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ये वाला आर्टिकल दिखेगा. इस हालांकि इस वाले आर्टिकल के बारे में मैं डिटेल में कल ही डिस्कस कर लिया था मैंने. अभी आपको पता है 2+2 की मीटिंग हो गई यूएस और इंडिया के बीच में और इनके बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए. ठीक है एग्रीमेंट्स तो एक ही चीज़ का हुआ है वो आपको पता होगा, बे का, जो कि मैंने कल आपको डिटेल में बताया था. ठीक है BECA और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट. ठीक है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल कॉपरेशन यानी कि GPS को लेकर. ठीक है इस एग्रीमेंट में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है यूएस की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया यूज़ कर सकता है क्योंकि काफ़ी सारी जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं स्पेस में वो यूएस की हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और जो दुश्मन वगैरह है या फिर कोई भी उसका एयरक्राफ्ट हो गया या सबमरीन हो गई तो उसका पता लगा सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उस पर हम लोग हमला कर सकते हैं. तो कितना बढ़िया यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है बेका का. ओके तो चलो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं बेका के बारे में. तो आपको इसके बारे में टेलीग्राम पे मिलेगा. तो बेका जो है हमारा एक बार और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट और ये यूएसए और इंडिया के बीच में 2+2 मीटिंग में कराया गया है. नाउ एक और क्वेश्चन जो है फिर से मैं बता दूं, 2+2 मीटिंग कौन सी होती है, जब मान लो ये ए कंट्री और ये बी कंट्री है, जब ये ए कंट्री के दो मिनिस्टर जाएंगे और बी कंट्री के दो मिनिस्टर जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं 2+2. अगर फोर मिनिस्टर इधर से जाएंगे तो फोर मिनिस्टर इधर से जाएंगे तो क्या कहेंगे 4+4. ठीक है इस तरीके से जो है यहाँ पे 2+2 मीटिंग होती है जहाँ पर दो दो मिनिस्टर जाते हैं अलग अलग कंट्री के. अब ये जो आर्टिकल है यह GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
और आप देख सकते हो जो यूपीएससी में टॉपिक्स आते हैं वो हमारे ये टॉपिक्स आते हैं, इन टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर यूएस 2+2 मीटिंग हुई, इंडिया यूएस की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। अब ये 2+2 डायलॉग क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या होता है, दो मिनिस्टर इधर से दो मिनिस्टर उधर से। ना अगर हम बात करें बेका की, तो ये जो बेका है ये अलाउ करेगा इंडिया को कि हम लोग जीपीएस मैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं यूएसए के, यानी कि जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मिलिट्री पर्पस के लिए। ओके, खासकर आज के टाइम पे जो है चाइना से हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यूएसए की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद जो है पता लगा सकते हैं कि जो चाइना है अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनकर आती है कि हाँ दोनों बीच में लड़ाई अगर होती है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि उसके जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो पंडुपी सबमरीन हो गई या कोई भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट हो गया, तो हम उसे आराम से उन सैटेलाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट लगा सकते हैं कहाँ पर है, और वो पता लगाने के बाद हम लोग उसको मार गिरा सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये इसका बेनिफिट होने वाला है। और बेका जो है एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है इंडिया के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बेका एक ऐसा, आप ये मत सोचना कि हाँ ये ऐसा पहला एग्रीमेंट करा है, इस तरीके के पहले बहुत सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। देखो बेका तो अभी हुआ है, इससे पहले GSOMIA हुआ, लेमुआ हुआ, सिस्मा हुआ, कोमकासा हुआ, ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट्स पहले भी हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है, कि ये सारे एग्रीमेंट क्या हैं, ये सारे पास्ट वाले एग्रीमेंट क्या हैं और ये बेका क्या है, इन सब का मैं कंबाइन एक वीडियो बना दूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका सबका एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये भी न्यूज़ में है, और ये एग्रीमेंट से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और जिसको भी यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपको पूछा था उसके बारे में, आर्मेनिया अज़रबैजान के बारे में, कि उसके बारे में बताना, तो मैंने जो मैसेजेस है वो 100+ मैसेजेस रिसीव करे थे कि हाँ उसके बारे में वीडियो चाहिए, तो इसके बारे में भी बता देना जिसको यहाँ पर समझना है, और यहाँ पर जो जिसको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता देना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं देख लूँगा कमेंट्स और जो है इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ये, मैं थोड़ा सा और डिटेल दिखाता हूँ कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जो ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह हैं। ओके, अभी आप देखोगे तो चाइना है, चाइना के पास 5 सैटेलाइट हैं, इंडिया के पास 3 सैटेलाइट हैं, और जो है यूएसए है, यूएसए की 150 सैटेलाइट हैं। अब बताओ क्या हमारा तो फायदा है ना इसके अंदर, यूएसए की जो है 150 सैटेलाइट है, हम लोग इसका जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, हम भी पूरी दुनिया के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जो है यूएसए भी पूरी बहुत आराम तरीके से देख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी याद रखना कि जो यूएसए की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं वो इस वाले रीजन में है जहाँ पर इंडिया, चाइना, रशिया है, यहाँ पर इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो हम इजीली जो है चाइना के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो यह है इसका बेसिक पर्पस, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो है इतनी ही बात है, अब मेन चीज़ जो है वो बेका ही है, और बाकी सारे एग्रीमेंट्स मैं आपको अगर आप बताते हो तो मैं आपको लिए वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपको ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा, यहाँ पर आर्टिकल में बात करी जा रही है जम्मू और कश्मीर के नए लैंड लॉज लेकर आए हैं कि जो अब आउटसाइडर है वो भी लैंड वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में खरीद सकता है, लेकिन कैसी कैसी जो है इसमें कंडीशंस रहेंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ओपन फॉर सेल यहाँ पर स्टार्ट है, जम्मू कश्मीर के नए लैंड लॉज आ चुके हैं, न्यू लॉज और जो है एक्सक्लूसिव राइट्स हैं परमानेंट प्रेसिडेंट्स के लिए ओवर द लैंड इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उनके साथ साथ जो है पीपल जो कि इन्वेस्टर्स वगैरह या फिर जो जम्मू और कश्मीर के बाहर है वो भी इस लैंड को परचेज कर सकते हैं, और अगर आप लैंड को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बोला गया कि एग्रीकल्चर के पर्पज़ से हो, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर के पर्पज़ से ना हो, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से हो। उसके बाद अगर कोई बंदा अपनी लैंड ट्रांसफ़र करता है दूसरे बंदे को तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रांसफ़र करा जाएगा वो भी एक हेल्थ केयर पर्पज़ से हो, सेकेंडरी और हायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के पर्पज़ से हो, ठीक है, कोई गलत सोच से ना हो, कोई गलत पर्पज़ से ना हो, यानी कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पर जो हम लेकर आए नए लॉज तो ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएँ, ये हमारा मकसद है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा था चेन्नई वाली बात, कि देखो ये आर्टिकल जो है, अब ये सारी जो है न्यूज़ ये रीजनल न्यूज़ है, अगर हम लोग दिल्ली का न्यूज़पेपर लेते तो यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ होता, अभी हमने चेन्नई का लिया है और अच्छा हुआ हमने चेन्नई का ले ही लिया क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर मिल गया, अदरवाइज़ जो है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस पता नहीं कब आता, न्यूज़पेपर दिल्ली का पता नहीं कब अपलोड होता। नाउ आगे आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। अब पेज नंबर 10 पे भी हमारे लिए आर्टिकल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल वही सेम आर्टिकल है जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया,
कि जो यूएस है वो सपोर्ट करेगा इंडिया को डिफेंस डिफेंस के लिए, डिफेंस और टेरिटरी के लिए यहाँ पर जो है यूएस सपोर्ट करेगा, कैसे कैसे सपोर्ट करेगा, वो बैका एग्रीमेंट हो गया है और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हमने पहले ही कर लिए हैं, 2002 में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, ये नया एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं ना। उसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर के नए लैंड लॉज आए हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल में देख ही लिया है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे और भी हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स है जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पेज नंबर 12 पे, और पेज नंबर 12 पे इसी तरीके की न्यूज़ आती है क्योंकि आपको पता होगा जो ICMR की उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे यह आर्टिकल है कि फिर से कोई कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर बोला गया कि सेंटर के द्वारा कि जो पॉल्यूशन है और विंटर है अभी ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पोज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आज के टाइम पर दिल्ली वगैरह एरिया में, उसके आसपास एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बहुत बार देखा है और आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा पुअर था, है ना, तो ये अभी यहाँ पर चिंता है इस बात को लेकर कि जो पॉल्यूशन है या फिर विंटर है वो कैसा असर पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है गर्मी देखी है कोविड को लेकर, अभी देखते हैं ठंड कैसी पड़ती है कोविड को लेकर, ओके, कोविड 19 को लेकर कैसा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है इसका, ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे उसके बाद। और यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको ये नज़र आएगा CBI, ठीक है, जैसे ये टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट होता है CBI, ये आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या काम होता है इनका जो है जो केसेस वगैरह होता है उनको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे ही हमारा NIA होता है, ठीक है, NIA क्या होता है बताना ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ी बहुत वर्ल्ड न्यूज़ को, देखेंगे दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा US सेल कर रहा है अपना डिफेंस सिस्टम 2.4 बिलियन का ताइवान को जो है यहाँ पर सेल कर रहा है, और आपको पता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ताइवान के बारे में आप लोगों को कि जो चाइना है वो ये कहता है कि जो ताइवान है वो हमारा पार्ट है, लेकिन ताइवान कहता है हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम किसी का पार्ट नहीं है, इनके बीच में ऐसा डिस्प्यूट चलता रहता है, ऐसी टसल हमेशा चलती रहती है और काफ़ी समय से चलती भी आ रही है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर बीच में पर्सनालिटी कौन आ गए, US ने क्या करा डिफेंस सिस्टम सेल कर दिए ताइवान को, तो अब एक तरफ से आप लोग देख सकते हो तीन कंट्रीज़ को ले लो, जैसे कि US ले लो, चाइना ले लो, ताइवान ले लो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलेशन आपको समझाता हूँ कि मान लो ये चाइना कहता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, ताइवान कहता है कि मैं किसी का पार्ट नहीं हूँ, इन दोनों में अलग टसल चल रही है, ठीक है, इन दोनों में डिस्प्यूट अपना चल रहा है। अब US ने क्या करा ताइवान को जो है अपने डिफेंस सिस्टम सेल करा, डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर दिए, तो अब क्या हो गया इन दोनों के रिलेशन तो सही हो गए लेकिन इन दोनों के रिलेशन खराब हो गए नहीं हो गए, और हालांकि इन दोनों के रिलेशन तो काफ़ी टाइम से खराब चल रहे हैं, US और चाइना के रिलेशन बहुत टाइम से खराब चल रहे हैं, और आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा छिड़ा हुआ है US चाइना को लेकर कोविड की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला आर्टिकल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रही है मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज़ जो है बॉयकॉट कर रही है, उसमें सबसे ऊपर टर्की का नाम दे रखा है, ठीक है, तो जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या सिचुएशन हो गई थी। आप लोगों को पता होगा मैंने एक आर्टिकल कवर किया था कि एक टीचर की डेथ हो गई है, ठीक है, वो मैंने आर्टिकल कब कवर किया था, वो मैंने कवर किया था सुबह 5 बजे वाली वीडियो में, और मैं आपको डेली कहता हूँ कि सुबह 5 बजे वाली वीडियो ज़रूर जाकर देखा करो, आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ पे कवर करे जाते हैं, अलग अलग जगह से लिए जाते हैं, UN पोर्टल, AIR, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से निकाले जाते हैं आर्टिकल, लाइव मेंट, इकोनॉमिक टाइम्स, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को वहाँ से निकाल के उसमें कवर करता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे जाकर देखो, इससे ज़्यादा मेहनत उस वीडियो पर लग जाती है और वो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आप लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं है, आप लोग ढूंढोगे ये आर्टिकल कहाँ पर है, बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं वो, तो उससे ज़रूर वहाँ पे कवर करना, और वो बहुत अच्छी वीडियो होती है डेली जो है सुबह 5 बजे वाली, उस पर आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है और न्यूज़पेपर एनालिसिस तो हमारा चलता ही चलता है। ओके, नाउ अगर हम इस पर बात करें तो जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट कर रही है मुस्लिम कंट्रीज़, खासकर यहाँ पर टर्की, वो भी बॉयकॉट कर रही है कि हम अब प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिकली बात क्या हुई आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल कवर किया था सुबह 5 बजे वाली वीडियो में कि फ्रांस का एक टीचर थे, ठीक है, फ्रांस के एक टीचर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सैमुअल पेटी नाम है शायद, ठीक है, कंफर्म करना अगर आप लोगों को पता हो तो, सैमुअल पेटी नाम है शायद, तो फ्रांस के एक टीचर थे जिनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई थी एक पर्सन की जो कि चेचन से गया था, है ना, तो हत्या क्यों कर दी गई थी क्योंकि उसने बोला कि जो यहाँ पे पर्सन गया था जिसने हत्या करी उसको, उसने बोला कि जो ये फ्रांस का जो टीचर है
वो कंट्रोवर्शियल कार्टून्स दिखाता है प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है, कंट्रोवर्शियल कार्टून्स वगैरह दिखाता था, तो उस वजह से वहाँ पे उसको मार दिया गया। लेकिन जो है बहुत बुरी तरीके से जो है मारा गया था। फिर उसके बाद लेकिन फ्रांस ने जो है उस आदमी को जिसको मारा गया उसको सपोर्ट करा, उसको डिफेंड करा, तो मुस्लिम कंट्रीज नाराज़ हो गई हैं कि यहाँ पर वो प्रॉफिट मोहम्मद के कंट्रोवर्शियल कार्टून्स दिखा रहा है और आप जो है हम फ्रांस यानी कि जो है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको देखते हुए जो है प्रोडक्ट्स वगैरह बॉयकॉट कर रहे हैं सभी लोग, और जो है अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। आप लोगों को काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेंगी, कल मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को देखा था तो काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जो कि लॉरियल वगैरह के जो ये सारे प्रोडक्ट्स फ्रेंच कंपनी है वो भी, तो लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं, और देखते हैं ये कहानी कब तक चलती है। ओके, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, और बिजनेस रिलेटेड न्यूज है। आप लोग को यहां पर नजर आएगा निगेटिव जीरो ग्रोथ बट फर्म रिकवरी ऑन, यानी कि हालांकि इंडिया की जीडीपी जो है वो निगेटिव है, जीरो ग्रोथ रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम पर हम लोग रिकवरी देखेंगे। और ऐसी काफ़ी सारी हमने रिपोर्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, अगर आप डेली व्यूअर हो तो आपको पता होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने कवर करी हैं। कभी किसी की रिपोर्ट आ जाती है, कभी किसी की रिपोर्ट आ जाती है, तो उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट्स में हमने यही देखा कि अभी के टाइम पर इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, जीडीपी डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बात है इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी यहाँ पर यही बातें बोली हैं। नाउ चलते हैं अपने वापस एडिटोरियल के ऊपर, अब डिस्कस करेंगे अपने एडिटोरियल को इंटरेस्टिंग वे में। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर पेज नंबर 9 पे एडिटोरियल नजर आएगा इंडिया और म्यांमार को लेकर, तभी मैंने म्यांमार के बारे में पूछा, आज मैंने करंट इशू पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को लेकर बात करी जा रही है, अभी रिसेंट विजिट हुई, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो ये विजिट पे गए और यहाँ पर क्या काफ़ी सारी बातें हुई। और जो है इंडिया और म्यांमार अपने रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस हो जाते हैं अच्छी तरीके से, हम लोग अगर मेंटेन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दिल्ली काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रहा है ताकि जो अपने रिलेशंस वगैरह हैं वो म्यांमार से अपने एड्रेस कर सके, और जो इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं उनको एड्रेस करा जा सके, अपने रिलेशंस अच्छे करे जा सकें। और जो है इनॉग्रेशन किस चीज़ का होने वाला है, लाइजन ऑफिस का, जो कि इंडिया की एम्बेसी रहने वाली है, ये म्यांमार में इसका इनॉग्रेशन होगा, ठीक है, हम लोग जल्दी इसको भी देख सकते हैं। हालांकि जो ये लाइजन ऑफिस है ये चाइना का म्यांमार में ऑलरेडी बहुत पहले से ही है, 2007 में ही 17 में ही यहाँ पर चाइना ने बना दिया था अपना वहाँ पर, ओके, म्यांमार में, यानी कि चाइना का आप कह सकते हो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार के अंदर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है जो कि इंडिया की नेबर्ड कंट्रीज़ है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, श्रीलंका में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखते हैं हम लोग। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ज़रा अपना माइंड क्लियर कर लेना कि चाइना का अगर यहाँ पर रोल है तो इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ओके। तो नाउ यहाँ पर आप लोगों को इसको भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जो चाइना अगर यहाँ पर इंडिया की नेबर कंट्रीज़ है, चाइना इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो इंडिया को क्या अपना स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि जो नेबर कंट्रीज़ है वो इंडिया के फेवर में रहें, ठीक है, उसके अगेंस्ट ना चली जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है अपना पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसके ऊपर $6 बिलियन का, ओके। उसके बाद जो दिल्ली और म्यांमार हैव बीन कोलोबरेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, ठीक है, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ द बेस्ट गारंटी टू सिक्योर देयर बॉर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात है, अगर इंडिया और म्यांमार दोनों कोलोबरेट कर चुके हैं यहाँ पर किस चीज़ को लेकर कि अपनी बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट करेंगे अपने बॉर्डर एरियाज के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम लोगों के। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा रोहिंग्या इशू, उसके बारे में बोला कि अगर यहाँ पर जो रोहिंग्या, आपको पता होगा रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में, कि जो रोहिंग्या वाला एरिया है वहाँ के जो रोहिंग्या वाले पीपल थे तो वो लोग काफ़ी सारी जगह पर बांग्लादेश में हैं और साथ ही साथ म्यांमार में भी, और इंडिया में भी काफ़ी सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं, है ना, रोहिंग्या क्राइसिस से जो कि गुजर के आए थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो दिल्ली है उसको, जो रोहिंग्या वाले पीपल हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, रादर देन उन लोगों को हम लोग क्या करना चाहिए, उनके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखना चाहिए, एक सॉल्यूशन देखना चाहिए जो रोहिंग्या क्राइसिस से जो पीपल गुजर कर आए, ओके।
तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग चलते हैं तो ऑब्वियस ही बात है रिलेशंस अच्छे से अच्छे होते रहेंगे और जो इंडिया है उसे अपने जो इश्यूज़ वगैरह हैं उसे सही जो डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी चल रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज से उसको सॉल्व करके रहना चलने रह के चलना पड़ेगा, ना तो फिर यहाँ पर चाइना का ऐसे ही हम लोग इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पर गिलगित बलिस्तान के बारे में बात हो रही है कि इसका गेम प्लान क्या है। अभी आपको पता होगा पाकिस्तान ने जो यहाँ पे गिलगित बलिस्तान एरिया है, अभी सॉरी यार मैं यहाँ पर मैप नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, ठीक है मैप इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, आप लोग जाकर प्लीज़ एक बार मैप में देख लेना, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं मैप इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके तो जो ये मैप है, हालांकि मैं आप लोगों को कल इसके बारे में दिखा दूंगा, मैप जो है मैप में मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है एरिया। ओके अभी मैं किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ मैप को, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है गिलगित बलिस्तान के ऊपर बात हो रही है कि अब यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ हम लोग पाकिस्तान बिल्कुल वर्ज पर है कि हाँ डिक्लेयर करने वाला है कि हाँ हम लोग ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का प्रोविंस है। ओके रीजंस क्या क्या है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर स्टेटस चेंज करने को कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान का। ओके तो आपको नज़र आएगा कि आर्टिकल 370 हम लोगों ने अभी एब्रोगेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में बदल दिया। सेकेंड जो रीज़न बताया गया, पब्लिक ओपिनियन में भी जो गिलगित बल्तिस्तान है ऐसा बोला जा रहा है कि वो फेवर में है पाकिस्तान के, है ना। सेकेंड उसके बाद और थर्ड रीज़न जो है चाइना, चाइना बहुत बड़ा रीज़न है, चाइना फोर्स कर रहा है पाकिस्तान को कि भाई जो गिलगित बल्तिस्तान है उसे अपना एरिया डिक्लेयर कर दो, अपना एरिया बना लो ताकि हम लोग वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ये काफ़ी बहुत बड़ा और आपको पता होगा सॉरी यहाँ पर जो है एक सेकेंड सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इससे क्या होगा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भी गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू रन करता है, तो क्या होगा चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा खूब दबा कर, इन्वेस्टमेंट वगैरह करके जो है उसको डेवलप करेगा, यानी कि एक तरफ से चाइना का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल है, चाइना भी पाकिस्तान से कह रहा है कि हाँ यहाँ पर ये करना चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान को मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगा मैप के अंदर में, आज मैं किसी वजह से यूज़ नहीं कर पाया हूँ और आप कहोगे तो मैं कल इस आर्टिकल को फिर से जो है डिस्कस कर दूंगा। ओके तो उसके लिए कोई यहाँ पर ठीक है इसके बाद में कोई टेंशन मत लेना, मैं इसे आराम से समझा दूंगा आपको। ओके नाउ आप लोगों को यहाँ पर ये वाला आर्टिकल दिखेगा, इस वाले आर्टिकल को मैं अलग से ही समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या है। जो रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स के बारे में बात करी जा रही है कि जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है आज के टाइम पर, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं हमें, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल बता रखा है, तो इसको मैं ऑलरेडी एक जगह पर डिस्कस कर दूंगा। ओके क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे मेरे पास तीन आर्टिकल्स हैं, तीन आर्टिकल का बैकलॉग चल रहा है जो कि डिस्कस करना है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, जल्दी ही करूंगा क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं अकेला ही सारी चीज़ें मेंटेन करके चलता हूँ, बाकी सारे काम भी देखने होते हैं तो मैं अकेले यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसके बारे में मेरे को आर्टिकल पता है वो कौन कौन से डिस्कस करना है। तीन आर्टिकल हैं जो आपका बैकलॉग है इंक्लूडिंग दिस। ओके तो ये अच्छे आर्टिकल्स हैं और बकवास आर्टिकल होता है तो मैं आपको बताइए मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करता, इन आर्टिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा ज़रूर। ओके और इसी के साथ साथ मुझे आप लोग वो भी बताना कि जो US और इंडिया के 2+2 मीटिंग वाली है वो वाले आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, उसके बारे में भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पर डेड लेटर के बारे में बात हो रही है, देखो मैंने म्यांमार के बाद आपको दूसरी लोकेशन क्या बोली है, चिली की देखने के लिए, मैं यहाँ पर चिली बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, है ना, देख लो कि यहाँ पर मैं खुद नहीं सही से कर पा रहा हूँ प्रोनाउंस कि यहाँ चिली ही बोलते हैं शायद, तो जो चिली यहाँ पर कंट्री है, तो अब यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीराइट करने की बात हो रही है, यानी संविधान को दोबारा लिखने की बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने को मिलती हैं, और जो है यहाँ पर 70% ऑफ पीपल जो है 78% ऑफ जो चिलियंस हैं पीपल हैं वहाँ के वो फेवर में है, यानी कि हाँ रीराइट करा जाए, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा जाएगा, क्योंकि हालांकि जो 2022 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रीराइट करा जाएगा, और जो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ हिस्ट्री वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है इतिहास की, कि पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, डार्क एरा देखने को मिला था, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके उसके बाद लास्ट आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेंटर है हमारी केंद्र सरकार है, सेंटर को क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, जो डिफरेंस है किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यार ये याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ गए होंगे जैसा इंटरेस्ट होता है, ठीक है जैसा अपना चलता है ब्याज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ओके तो जो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सेंटर है वो कह रहा है कि हम लोग पे करेंगे बैंक को, ठीक है, बैंक को जो कि उसका बैंक का
इट्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का गैप है, जो भी मनी यहाँ पर उसका रह गया है तो सेंटर उसको पे करेगी बैंक को, और जिससे क्या होगा यहाँ पर बाकी लोगों को हेल्प मिलेगी बैंक से, जो बाकी लोग बोरो कर सकते हैं और उनकी दिवाली अच्छी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इस बेसिकली यही बहुत बात बोली जा रही है, और बिल्कुल सेम आर्टिकल हम इसको एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा नहीं होगा, फ्रंट पेज पर आया था आर्टिकल, इसको हम बिल्कुल सेम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि जो है अब ये दिवाली जो है सेंटर के सॉरी गवर्नमेंट के हाथों में है, कि यहाँ पर देखा जाएगा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी दिवाली यहाँ पर लोगों की दिवाली को मनाती है, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बोली थी कि जो सेंटर है सेंटर ही देखेगी यहाँ पर और सेंटर ही रिलीफ देगी बोरोवर्स को, छोटे छोटे जो बोरोवर्स हैं, तो बैंक जो है अगर बैंक के पास पैसा जाएगा तो वो छोटे छोटे बोरोवर्स के पास भी वो पैसा चला जाएगा, जिससे कि उनकी दिवाली अच्छी हो जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल है। इसी के साथ वो हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और गाइस जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, जो एक ये वाला आर्टिकल आप जो है स्किप कर लो, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है, ये आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो। ओके, काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है मैं आपको डेली जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करता हूँ, फालतू आर्टिकल हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।